हेलो, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और मेरी दिल से यही दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा अच्छा रखे और आप पे अपनी रहमतें और बरकतें नाजिल करते रहें, आमीन। कल रात मुझको सोने से पहले एक ख्याल आता है जिसमें मैं अपने आप से खुद कुछ सवालात करता हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाकर इस दुनिया में भेजा है और मेरी जो ये गुनहगार आँखें हैं, क्या ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार के काबिल हैं? तो मुझे जवाब नहीं में ही आ रहा था। फिर मैंने ये सोचा कि क्या मेरी ये जो ज़ुबान है ये इस काबिल है कि मैं अपने आखिरी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू कर सकूं? तो मुझको जवाब फिर भी नहीं में ही आता था। फिर मेरे साथ हुआ कुछ इस तरह कि मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे और मेरे दिल से फौरी ये दुआ निकली कि ऐ मेरे अल्लाह पाक, मेरी आंखों, मेरे दिल और मेरी ज़ुबान और मेरे सारे के सारे जिस्म को इस काबिल बना दो कि आखिरत के दिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब दीदार मुझे नसीब हो तो वो मुझको देखकर मुझसे नाराज़ ना हो बल्कि अपना उम्मती होने पर मुझ पर फख्र करें, आमीन। ओके फ्रेंड्स, लास्ट में मेरी वही लाइन है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें और कमेंट्स में अच्छी अच्छी राय दें और अच्छी दुआओं में मुझे हमेशा याद रखें। और अल्लाह पाक ने चाहा तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर एक नई वीडियो के साथ हाज़िर होऊंगा। ओके, खुदा हाफिज़।